हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले वेगा हेयर कलर के बारे में। और ये जो वेगा हेयर कलर है, इसका प्राइस कितना है, इसका डेमो भी देख के मैं बताऊंगी। एक्चुअली ये जो वेगा हेयर कलर है ना, मैंने लिया था अपने हेयर लेंथ के हिसाब से, क्योंकि मेरी हेयर लेंथ अच्छा खासा लंबा है, तो उस हिसाब से मैं स्ट्रेटनिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा पाता है। तो मैंने सोचा कि उन्होंने मैं कलर ही ले लूँ, क्योंकि वो जल्द से जल्द हो जाता है, कोई मुझे एक अच्छा ब्रांड वाला कलर मिल जाए। तो मैंने वेगा का ये कलर देखा था और उसका रिव्यू भी देखा था, जो बहुत अच्छा था। तो मतलब सारे कस्टमर्स ना सेटिस्फाइड थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को लिया जाए। तो मैंने इसको लिया और इसके बाद इसको मैंने यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो मैं आज आपको करके दिखाने वाली हूँ कि ये कितना अच्छा काम करता है और कितना जल्दी हो जाता है। कम से कम आपका हेयर लेंथ अगर कमर से भी नीचा है ना, फिर भी आप 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा हेयर कर्ल कर सकते हो। तो मैं आज करने वाली हूँ थोड़ा सा सॉफ्ट कर्ल नीचे की तरफ से। तो कितने देर में करते हैं, किस तरीके से करते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। देख ही लिया कि इतना अच्छा काम किया है। और इसका प्राइस सिर्फ मुझे पड़ा था 849 रुपीज़ में, मतलब 850 रुपये में ये कलर मुझे आ गया था। और एक्चुअल में इसका प्राइस ना 1599 रुपीज़ है। इसका बॉक्स मैं दिखाती हूँ आपको, ये है इसका बॉक्स। इसका प्राइस MRP लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे MRP लिखा हुआ है 1599 रुपीज़। लेकिन ये मुझे डिस्काउंट में मिला था और मैंने इसको कहाँ से लिया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने इसको Amazon से लिया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, रिव्यू अच्छा लगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाजू में जो डिंगी डिंगी वाली बेल बटन है, इसको ज़रूर दबाइएगा गाइस, जिससे कि जब भी मेरी कोई हेल्पफुल वीडियो आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। बाय बाय गाइज़।